मूवी शुरू होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी बच्चे के बारे में पूछताछ कर रहा होता है कि क्या वो बच्चा यहाँ पहुँच गया है। तो वहाँ मौजूद लोग उसे बताते हैं कि हाँ वो यहाँ पहुँच गया है। फिर वो आदमी उन्हें कहता है कि ये बच्चा सिर्फ पुराने किले में सेफ रह सकता है और उसे वहाँ घोस्ट राइडर लेकर जा सकता है। तो वहाँ मौजूद लोग उसे कहते हैं कि ये यहाँ पूरा सेफ है और इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग उन पे हमला कर देते हैं। ये लोग उस बच्चे को हासिल करना चाहते हैं। इस हमले से घबरा के उस बच्चे को बचाने के लिए वो आदमी बच्चे की तरफ भागता है। उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी होती है और बाहर हुए हमले के कारण वो बहुत घबराए हुए होते हैं। उस आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देख के बच्चे की माँ उस पर गोली चला देती है। फिर किसी तरह से उसकी माँ अपने बच्चे को कार में लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। वो आदमी अपनी बाइक पर उसका पीछा करता है और उन दोनों का पीछा वो लोग करते हैं जो उस बच्चे को ले जाने के लिए आए थे। वो लोग उस आदमी के ऊपर गोली चलाते हैं जिस कारण वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। पर उस बच्चे को बचाने के लिए गिरते गिरते वो आदमी अटैकर्स की कार पर गोली चलाता है जिस कारण उनका भी एक्सीडेंट हो जाती है और वो बच्चा उसकी माँ के साथ निकल जाते हैं। गिरते हुए एक ट्री में फंसने के कारण वो आदमी बच जाता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि बिल्कुल सुनसान होती है। वो जब अंदर जाता है तो उसे वहाँ घोस्ट राइडर पार्ट वन का मेन कैरेक्टर जॉनी मिलता है जो कि पिछले 7 साल से यहाँ रह रहा होता है और उसने बहुत टाइम से अपने घोस्ट राइडर की पावर को यूज़ नहीं किया होता। फिर वो आदमी जॉनी से बच्चे के बारे में बात करता है उसकी फ़ोटो दिखाकर और उसे लास्ट टाइम के लिए घोस्ट राइडर बन के बच्चे को बचाने के लिए कहता है। बदले में वो आदमी उसे कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है पर जॉनी कहता है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो आदमी जॉनी से कहता है कि जॉनी खुद को इस कर्ज से मुक्त करना चाहता है जो कि सच होता है क्योंकि जॉनी अब घोस्ट राइडर बन बनकर थक गया होता है। जॉनी इसके लिए मान जाता है। फिर जॉनी रात में घोस्ट राइडर बन के उस बच्चे की तलाश शुरू कर देता है। इसके बाद हम उस बच्चे को देखते हैं जिसे कैरिगन नाम का एक इंसान ने पकड़ा होता है। कैरिगन ये सब डेविल के कहने पर कर रहा होता है और बदले में उसे बहुत कुछ मिलने वाला होता है। पर कैरिगन को ये नहीं पता था कि जो उससे ये सब करवा रहा है वो एक डेविल है। तभी वहाँ घोस्ट राइडर पहुँच जाता है और सबको अपनी चेन से मारना स्टार्ट कर देता है। घोस्ट राइडर उस बच्चे को बचाने के लिए जाता है पर कैरिगन और उसके साथ ही घोस्ट राइडर पे अटैक करके बच्चे को वहाँ से भगा ले जाते हैं। अगले सीन में हम जॉनी को एक हॉस्पिटल बेड पर देखते हैं। जब जॉनी उठता है तो वहाँ उस बच्चे की माँ दिखाई देती है। वो जॉनी को देख के भागने लगती है। जब जॉनी उसे कंफर्ट करता है तो वो औरत उस पर गन पॉइंट करते हुए कहती है कि उसे जॉनी की मदद की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो जॉनी पर विश्वास करती है। ये सुन के जॉनी उसकी पिस्तौल अपने सिर पे रखता है और उसे गोली चलाने के लिए कहता है। जॉनी की आंखों में ट्रस्ट देख के वो जॉनी को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि कल तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था तो क्या आज भी तुम उसे ढूंढ लोगे। तो जॉनी कहता है कि कल मैं उसे फील कर पा रहा था पर आज मैं उसे फील नहीं कर पा रहा। जिसे सुन के वो औरत परेशान हो जाती है और डर जाती है कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। तो जॉनी उसे समझाता है कि उसका बच्चा ठीक होगा और वो उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम डेविल को देखते हैं जो कि कैरिगन के साथ फ़ोन पर बात कर रहा होता है। कैरिगन डेविल को कहता है कि उसे पता नहीं था कि उसका मुकाबला घोस्ट राइडर से होगा इसलिए उसे अब इस काम के लिए डबल पैसे चाहिए। डेविल कैरिगन को उस बच्चे से बात कराने को कहता है तो डेविल उस बच्चे के कान में कुछ बोलता है जिस कारण वो बच्चा जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता है। फिर डेविल कैरिगन को कहता है कि अब घोस्ट राइडर इसे फील नहीं कर पाएगा पर वो तुम्हें ज़रूर फील कर पाएगा इसलिए तुम उससे बचकर रहना। फिर कैरिगन अपने साथियों के साथ उस बच्चे को कहीं ले जा रहा होता है कि उसे रास्ते में घोस्ट राइडर मिलता है। घोस्ट राइडर कैरिगन और उसके साथियों पर अटैक करता है और उनके बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें कैरिगन और उसके साथी मारे जाते हैं। इधर उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को बचा लेती है पर तभी घोस्ट राइडर उस औरत को पकड़ के कहता है कि तुमने बहुत पाप किया है, तुम में और कैरिगन में कोई फर्क नहीं है, इसलिए जब मैं घोस्ट राइडर बना हुआ होता हूँ तो मुझसे दूर रहा करो क्योंकि घोस्ट राइडर बुरे काम करने वालों को मार देता है। तभी वो बच्चा घोस्ट राइडर को उसकी माँ को छोड़ने के लिए कहता है तो वो उस औरत को छोड़ देता है। फिर घोस्ट राइडर उस बच्चे की ओर बढ़ता है और जॉनी में बदल जाता है। अगले दिन बच्चे की माँ जॉनी से पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना होगा। तो जॉनी उससे कहता है कि अब हमें एक ऐसी जगह जाना होगा जो बिल्कुल प्योर हो।
हमें अभी भी सावधान रहना होगा क्योंकि वो लोग अभी भी हमारे पीछे होंगे। और वो ये भी बताता है कि कल से वो आदमी भी उनके साथ होगा जो पहली बार उस बच्चे को बचाने आया था, उसका नाम मोरो है। फिर हमें वो तीनों कहीं जाते हुए नजर आते हैं और रास्ते में उन्हें मोरो ज्वाइन करता है। इधर डेविल उस जगह पर आता है जहां घोस्ट राइडर ने कैरिगन और उसके साथियों को मारा था। डेविल देखता है कि कैरिगन एक पत्थर के नीचे मर रहा है और वो कैरिगन से अपने काम के बारे में पूछता है। तो कैरिगन उसे कहता है कि तुम कितने मतलबी हो, मैं यहाँ मर रहा हूँ और तुम्हें अपने काम की पड़ी है। तो डेविल कैरिगन को कहता है कि मेरा काम तुम्हें मरते हुए भी करना होगा और उसकी छाती पे हाथ रख के उसे बहुत सारी पावर देता है जिससे कैरिगन का हुलिया बदल जाता है और वो डेविल जैसा दिखने लगता है। फिर कैरिगन वो बच्चा जिसका नाम डैनी है उसको ढूंढने निकल जाता है। यह सीन शिफ्ट होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बच्चा डैनी का मां नादिया सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और जमीन पर बैठी मर रही होती है कि तभी उसके पास डेविल आता है और उसे बचाने के बदले में उसका होने वाला बच्चा मांगता है। नादिया मान जाती है तो डेविल उसे बचा लेता है और उसका होने वाला बच्चा डेविल का हो जाता है। डेविल उसे बताता है कि जब ये बच्चा 13 साल का होगा तो वो इसके ऊपर एक रस्म करके अपनी सारी पावर इस बच्चे में डाल देगा जिससे ये बच्चा भी डेविल बन जाएगा। अब इसी कारण से डेविल डैनी के पीछे पड़ा हुआ होता है। फिर हम जॉनी, मोरो, डैनी और उसकी माँ नादिया को देखते हैं जो एक सेफ जगह की तलाश में जा रहे होते हैं। जॉनी और डैनी के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप हो जाती है। पहले जॉनी खुद को कर्ज से आजाद करने के लिए उसे बचाना चाहता था पर अब वो जेन्युइनली डैनी का केयर करता है। फिर वो सब उस जगह तक पहुंच जाते हैं और वहां के लोग दिखने में बहुत अजीब होते हैं। जॉनी और मोरो बातें कर रहे होते हैं तो जॉनी उसे पूछता है कि मेरे अंदर कौन सा जीन या शैतान है जिसकी पावर उसके अंदर है। यह हमें पता चलता है कि मोरो एक प्रिस्ट है और वो जॉनी को बताता है कि जॉनी के अंदर जो है वो एक फरिश्ता था जिसका काम इंसाफ करना था, लेकिन जब उसे नरक में भेजा गया तो उसके हिस्से में पापियों को सजा देने की जिम्मेदारी आ गई जिस कारण ही वो एक घोस्ट राइडर बन गया जो जॉनी के अंदर बार बार आता है। इसके बाद हम जॉनी को एक ऐसी जगह जाते हुए देखते हैं जहां उसके अंदर से घोस्ट राइडर और उसकी पावर्स को निकाल लिया जाता है और अब वो एक नॉर्मल इंसान बन गया होता है। जिससे खुश हो के जॉनी जब बाहर आता है तो देखता है कि मोरो को उन लोगों ने पकड़ रखा है जिनके पास वो सब सेफ रहने के लिए आए थे। वो लोग कहते हैं कि हमें इस बच्चे को मारना होगा क्योंकि इसके अंदर डेविल की ताकत है और ये हम सबके लिए डेंजर है। मोरो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कल ये बच्चा डैनी 13 साल का हो जाएगा और अगर कल का दिन सेफली निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और डैनी डेविल नहीं बनेगा। पर वो लोग उनकी एक ना सुनते हुए बच्चे को मारने के लिए बाहर ले जाते हैं। तभी वहाँ कैरिगन जो कि एक डेविल बन चुका है वो आ जाता है और अपनी पावर से उन सभी को जलाकर मार के डैनी को डेविल के पास ले जाता है। डेविल डैनी को प्यार से समझाता है और कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर और बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम कितना तेज और स्ट्रांग हो, तुम्हारी हाफ बॉडी में डेविल की ताकत है और हाफ बॉडी में इंसान की, क्योंकि तुम्हारी माँ इंसान है और तुम मेरा बेटा हो। मेरा बूढ़ा शरीर इन पावर को नहीं बियर कर सकता और तुम्हारा यंग शरीर इन पावर से काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। ऐसी बातें करके वो अपनी सोल और पावर डैनी के अंदर ट्रांसफ़र करके स्ट्रांग होना चाहता था। फिर डैनी को इंजेक्शन लगा के सोल ट्रांसफर की प्रोसेस वाली जगह पर ले जाया जाता है और अपना रिचुअल स्टार्ट करके मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है डेविल, जिससे डैनी पॉसेस हो जाता है और वो भी वही मंत्र जपना स्टार्ट कर देता है। इतने में उस जगह के बाहर जॉनी, मोरो और बच्चे की मां नादिया पहुंच जाते हैं। जॉनी और मोरो आगे बढ़ते हैं और नादिया बाहर रह के उनके रास्ते में आने वाले लोगों को शूट करती है। फिर मोरो जॉनी को डैनी को बचाने के लिए अंदर भेजता है और वो खुद बाहर रुक के बाहर की माहौल का ख्याल रखता है। जॉनी अंदर जाता है और देखता है कि प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। अंदर जाते ही जॉनी डेविल को पंच करता है और बूढ़ा होने के कारण डेविल गिर जाता है। फिर जॉनी डैनी के तरफ हाथ बढ़ा के उसे अपने साथ चलने को कहता है पर डैनी अपनी जगह से ना हिलते हुए बस जॉनी के तरफ देखता रहता है और जॉनी का हाथ अपने आप मुड़ने लगता है। डेविल जॉनी को बहुत जोर से हिट करता है जिस कारण वो बहुत दूर जा गिरता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम मोरो को कैरिगन से लड़ते हुए देखते हैं। कैरिगन मोरो को जान से मार देता है और जॉनी के पास आता है पर जॉनी डैनी के पास जाके उसे समझाता है कि तुम एक इंसान हो, इस बात को समझो और खुद को संभालो।
पर डैनी डेविल के पास जाता है और कहता है कि आप जैसा बेटा मुझे बनाना चाहते हो मैं आपका वैसा बेटा ही बनूंगा, और जॉनी की मुंह पर जाकर आग से हमला करता है जिससे जॉनी फिर से पूरी तरह से घोस्ट राइडर बन जाता है और उसकी पावर वापस आ जाती है। डेविल और कैरिगन बहुत सारे लोगों के साथ डैनी को लेकर वहां से भाग जाते हैं, पर घोस्ट राइडर उन्हें फॉलो करता है और सब लोगों को अपनी पावर से मार देता है। वो कैरिगन को भी बहुत भयानक मौत देता है और डेविल की कार का पीछा करने लगता है। घोस्ट राइडर अपनी चेन को उस कार में फंसा के जोर से खींचता है जिससे उनकी कार उड़ के दूर जा गिरता है और शैतान उस कार से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। घोस्ट राइडर वहां पहुंच के डेविल को अपनी चेन में फंसा के बहुत ऊपर से नीचे जमीन पर जोर से मारता है जिससे वो डेविल जमीन के अंदर घुस जाता है और मर के नरक में चला जाता है। इसके बाद नादिया वहां आ जाती है और घोस्ट राइडर को देख के डर जाती है कि कहीं घोस्ट राइडर उसे मार ना दे, पर घोस्ट राइडर उसे उसका बेटा वापस लौटा देता है और फिर से जॉनी में बदल जाता है। फिर उसके हाथ से रेड कलर की आग के जगह ब्लू कलर की आग निकलना स्टार्ट हो जाती है। जॉनी ये देख के खुश होता है और कहता है कि वो अपने अंदर पॉजिटिविटी फील कर रहा है। जैसे ही जॉनी अपना हाथ बेहोश हुए डैनी पर रखता है, डैनी उठ जाता है और जॉनी से पूछता है कि क्या हम जीत गए, तो जॉनी हाँ में जवाब देता है। एंड में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ से जॉनी की बाइक निकलती है वहाँ रेड आग की जगह ब्लू आग जलती है। इट मीन्स अब उसके पास अपनी अच्छी पावर वापस आ चुकी है और अब वो फिर से लोगों की हिफाजत कर सकेगा। अब वो सिर्फ रात में नहीं दिन में भी लोगों को बचा पाएगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।